हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो कच्चे आलू से बहुत ही मजेदार चटपटा नाश्ता, जिसे हम झटपट बना लेंगे केवल घर के कुछ ही सामानों से। वैसे तो आलू के बहुत तरह के नाश्ते बनते हैं, लेकिन इस नाश्ते की कुछ खास बात है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दो कच्चे आलू लिए, आलू को मैंने छील लिया है, अब इनको कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस कर लिया है, अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन, अब डालेंगे 1/2 कप सूजी, अब 1 कप डालेंगे पानी। इन सबको मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को केवल सूजी से बना सकते हैं। 1/2 कप सूजी की जगह 1 कप सूजी लें। ये हो गया मिक्स। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, नमक गिरेंगे स्वाद अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा धनिया पत्ती। इन सबको मिक्स कर देंगे। ये हो गया मिक्स, और देखिए इसे ना ही ज्यादा पतला रखा है और ना ही ज्यादा टाइट रखा है। अब इसे रखते हैं एक साइड। अब लेंगे यहाँ पे कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हो गया गरम, इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई या फिर सरसों। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन मेरे यहाँ पे इसे राई कहते हैं। 1/2 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, अगर आप हींग खाते हैं तो जरूर डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इन सबको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट हो गए और ये सब भून गए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब डाल देंगे घोल जो हमने रेडी करा है, इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना ही मसाले ऐड करने की जरूरत है, हमने सारे मसाले पहले ही डाल दिए हैं। इसकी गैस लो टू मीडियम रखें, इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। ये डो फॉर्म में आने में बहुत कम वक्त लगाता है, बहुत जल्दी डो फॉर्म में आ जाता है। इस नाश्ते को बनाने में भी बहुत कम वक्त लगता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है, अब भी इसे थोड़ा सा और थिक करेंगे। ये आ गया डो फॉर्म में, और देखिए कढ़ाई को किस तरह से छोड़ रहा है। इसकी गैस कर देंगे बंद। अब लेंगे इस तरह की ट्रे, इसके ऊपर लगाएंगे बटर पेपर जिसमें हम इस डो को सेट करेंगे। इसके ऊपर लगा लेंगे तेल। तेल लगाने के बाद डो को इसके ऊपर रख देंगे। डो को पूरी ट्रे पे फैला देंगे। अगर ट्रे ना हो तो स्टील की प्लेट में ग्रीस करके उसमें डो को सेट कर लें। इसको सेट कर दिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जो अच्छी तरह से सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। 10 मिनट हो गए, ये हो गया अच्छे से सेट। अब इसको कट कर लेते हैं। मैं इसके यहाँ पे चौकोर पीस रख रही हूँ, आप चाहें तो ट्रायंगल पीस भी रख सकते हैं। और देखिए कितने आराम से कट हो रहा है। ये हो गए कट, एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितने आराम से निकल गए। सारे पीसेस अब निकाल लेते हैं। सारे पीसेस निकाल लिए हैं, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पे। तेल हो गया गर्म, अब अपने नाश्ते को डाल देंगे। एक बार में जितने आ जाए उतने डाल देंगे, और 1 मिनट तक हम इसी तरह सिकने देंगे। 1 मिनट के बाद इन्हें चम्मच से हल्का हल्का हिला देंगे। एक साइड से इनका कलर चेंज लग रहा है, अब इनको पलट देंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी नाश्ते की रेसिपी डाली है, उन्हें एक बार जरूर बना के देखिए। और आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके यहाँ अचानक से मेहमान आ जाए, ये झटपट से बनने वाली नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप बच्चों को ये नाश्ता किसी भी टाइम दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, साथ में बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे, जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। इनका हो गया दोनों साइड से कलर चेंज, और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और अब इनको निकाल लेते हैं, बाकियों को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। नाश्ता बनके हो गया रेडी, और देखिए कितना मजेदार लग रहा है ये नाश्ता। और मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ ये कितना क्रिस्पी है, ये देखिए। और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।